और ये हो गया हमारा हैंगर परचेज भाई, लिखा भी आ गया अब तो यार हमारा हैंगर। व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक नए GTA 5 के एपिसोड में। और जैसे कि आपने टाइटल पढ़ी लिया होगा कि आज हम जा रहे हैं फ्रैंकलिन का नया हैंगर खरीदने अपनी बुगाटी शोरोन पर। सो अभी चलते हैं फिर एयरपोर्ट। बाकी यार अब तो फ्रैंकलिन को भी काफ़ी टाइम हो गया, इतने बड़े कपड़े नहीं बदले। काफ़ी एपिसोड से जो मैंने डाला है फ्रैंकलिन के पिछले, उन सभी में इसने यही काली वाली बनियान डाली हुई है। इसके कपड़े नहीं बदले यार, हमने काली बनियान और काली बुगाटी शिरोन, चमकती धमकती पूरी गाड़ी है हमारी। और भाई जिसने ये घर वाली वीडियो नहीं देखी है, जो पिछला हमारा घर है ये नया, डिस्क्रिप्शन से यार वो देख लो, और बुगाटी शिरोन वाली भी देख लो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, नज़दीक पड़ेगा वहाँ से आपको, नहीं तो आप चैनल खोलोगे पहले या फिर काफ़ी कुछ आप सर्च वगैरह करोगे फिर जाके मेरी वीडियो पर आओगे, नहीं तो भाई डिस्क्रिप्शन से सीधा जाओ और एक क्लिक करो मेरी वीडियो पाओ। और अभी टाइम चेंज करते हैं, अभी शाम है कोई, दोपहर कर लेते हैं। सो अभी निकलते हैं एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट इसके घर से तो यार काफ़ी दूर है, और हम काफ़ी मतलब दिनों से जितने भी मैंने एपिसोड डाले हैं, माइकल का लगा लो, फ्रैंकलिन का लगा लो, सभी में यार हम बार बार एयरपोर्ट में ही आ रहे हैं। आज भी हम एयरपोर्ट ही जा रहे हैं फ्रैंकलिन का हैंगर ख़रीदने, और फिर एक गोल्डन जेट भी ख़रीदना है हमें भाई, गोल्डन जेट, वो भी पर्सनल भाई, भाई पर्सनल गोल्डन जेट भाई, मज़े आएंगे उसको उड़ाने में भाई, भाई। और भाई कमेंट में मेरे को बता देना कि यार गोल्डन जेट वाली वीडियो जो है वो जल्दी पाने के लिए लिख देना यार कमेंट में। इस वीडियो में तो यार मैं कवर कर नहीं पाऊँगा गोल्डन जेट, नहीं तो परचेज तो हम इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन यार उसकी सवारी आपको मैं इसी वीडियो में नहीं करवा सकता यार, वीडियो लंबी बहुत हो जाएगी, इसलिए यार फिर कमेंट में मेरे को बता देना, अगली डालूँ या फिर अगली मिशंस की डालूँ, सब कुछ मेरे को बता देना। बाकी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दो भाई, जल्दी जल्दी से सपोर्ट करो यार भाई को। अभी निकलते हैं एयरपोर्ट। बाकी यार मेरे को एक और चीज़ भी बता देना, कितने सवाल पूछ लिए यार, ये भी पूछने दो, बाकी जो समझ आते हैं मेरे को बता देना कि यार जो ये मेरी बुगाटी शिरोन है इसकी मॉडिफिकेशन करवाऊँ या फिर अभी बाद में करवाऊँ, करवानी तो है भाई, मॉडिफिकेशन करवा के यार काफ़ी अच्छी बन जाएगी, पहले ही अच्छी और अच्छी बन जाएगी। सो यार ये भी मेरे को बता देना, बाकी जो जो क्वेश्चन मेरे समझ आते हैं, इतने क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, उसका जो जो मतलब समझ आता है वो मेरे को बता देना। आज यार भीड़ भी काफ़ी कम है लॉस सैंटोस में, नहीं नहीं इधर काफ़ी है, नहीं तो पीछे कम थी, आगे देखते हैं कितनी कम होती है कितनी नहीं, लोग मेरे को लगता समझ रहे हैं अब, नहीं तो कोरोना वैसे निकल गया लॉस सैंटोस से। लेकिन आज यार खुश हुआ मैं, भीड़ कम है, ज़्यादा नहीं है, नहीं तो भाई पहले सड़कें भरी, इतनी इतनी ट्रैफिक जाम लगा रहता था। ये देखो इधर देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जैसे जैसे शहर में एंट्री होती जा रही है ना अपनी, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है, बाहर कम होती है। इधर देखो कितने लोग आगे, बाकी वैसे तो हम शहर में ही हैं लेकिन मेन शहर हमारा थोड़ा आगे से शुरू होएगा। ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, काफ़ी भीड़ होएगी, अभी हमने इधर से जाना है। पहले तो भाई फ्रैंकलिन का घर बिल्कुल पास था एयरपोर्ट से, अब काफ़ी दूर है, हम पहाड़ियों में आ गए, एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, समुंदर के पास है एयरपोर्ट। तो अभी FPP पे चलाते हैं, अरे ठोकी 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 ठोकी, बच गए भाई, दूसरी गाड़ियाँ ठोकी थी हमारी बच गई, तो भाई नई गाड़ी है भाई, मार देता अगर ठोक जाती तो। अभी यार FPP के अभी माहिर नहीं है इतने, मैं तो खुद यार TTP पे चलाता हूँ थर्ड पर्सन पर, FPP पे यार मैं बहुत कम चलाता हूँ, अभी चला रहा हूँ, नहीं तो मैं कम ही चलाता हूँ, थोड़ा रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए चलाता हूँ, नहीं तो नहीं भाई TTP से हमारा सही है। FPP पे यार मज़े तो आते हैं चलाने के, रियलिस्टिक लगती है पूरी, बाकी यार गेम ही रियलिस्टिक है ये GTA 5, मोड्स वगैरह डाल दें अगर और ग्राफिक्स मोड तो और रियलिस्टिक हो जाती है, नहीं तो जो इसका ओरिजिनल ग्राफिक्स है वो इतने रियलिस्टिक नहीं है, जो मैंने पहले एपिसोड डालता था, जो मैंने पहले वाले डाले हैं वो बिना इसके ग्राफिक्स मोड के, ये जो मैं डालता हूँ ये ग्राफिक्स मोड वाले हैं, पहले वाले बिना वाले थे, ये वाले ग्राफिक्स मोड वाले हैं। देखो भाई कितना फ़र्क हो जाता है, ग्राफिक्स मोड ही है यार जो मतलब इतना रियल कर देता गेम को, नहीं तो अगर ओरिजिनल वाले ग्राफिक्स देखें तो यार वो इतने रियलिस्टिक नहीं लगते जितने ये लगते हैं। ऐसे काफ़ी मोड हैं GTA 5 के, रेडक्स हो गया, वैनिला हो गया, MV है एक, MV जी पता नहीं क्या नाम है, पहले मेरे पास भी यार रेडक्स था, अब नहीं है मेरे से, गेम जो है डिलीट भी नहीं यार, मैंने विंडो चेंज करवाई थी, विंडो की वजह से यार वो गेम मेरे को रीइंस्टॉल करनी पड़ गई, इसलिए यार मेरे को सारे मिशन वगैरह सब कुछ दोबारा से करना पड़ गया,
तो मैंने फिर ये रिडक्स डाला था, वो अभी मेरे पास रिडक्स तो है नहीं, ये दूसरा वाला मोड है, ये मैंने मतलब छोटा सा मोड है रिडक्स, तो यार 3 GB का, 3.5 GB का मोड है ये, कोई यार छोटे वाला मोड है, इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन है काफ़ी अच्छा। अब बस यार एयरपोर्ट भी आने वाला ही है, पिछले कई एपिसोड से यार बार बार यार एयरपोर्ट भी चक्कर लग रहे हैं यार, कहीं और जा ही नहीं रहे। अभी इधर है पेट्रोल पंप यार, तेल तो चलो है, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, अभी एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट तो पहुँच जाएंगे आराम से, अभी आधी से भी ज़्यादा टंकी है, ज़्यादा दूर तो हमें जाना नहीं जो हमें ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी यार आधी से ज़्यादा टंकी है, इतनी तो काफ़ी होती है, एक पूरे GTA 5 का चक्कर मारना फिर भी ये ख़त्म नहीं होएगी, इतनी तो काफ़ी है। अब तो यार एयरपोर्ट भी बिल्कुल पास ही है, इतना तो हमें दूर भी नहीं जाना जो पेट्रोल की ज़रूरत पड़े, एयरपोर्ट बिल्कुल पास है। आज तो है भी यार हमारी बुगाटी शिरोन भाई, ये तो 1 मिनट में ले आती है जहाँ जाना हो, इसकी स्पीड काफ़ी है, इतनी तेज है, ये कर दिया कांड इसकी स्पीड ने, ठोक गई भाई हमारी गाड़ी, इसको तो मारने से भी रही यार, क्योंकि ठोक की भी हमने आप ही है, स्पीड के चक्कर में यार ठोक ही जाती है कहीं ना कहीं, तो कोई नहीं यार आगे से थोड़ी हुई है ख़राब, करवा लेंगे सेट, ठोकने में तो हम माहिर हैं, ये तो चलो हो ही जाएगी ठीक, थोड़ा सा बस आगे से करवाना है, ज़्यादा भी नहीं ठोकी, थोड़ी ठोकी है। अब तो एयरपोर्ट वाला रास्ता भी आ गया, ये देखो भाई सामने एयरपोर्ट हमारा आ गया, ये रास्ता सीधा जाता है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट बस पहुँच गए अब तो हम, अब इधर भगाते हैं गाड़ी, ट्रैफिक है यार इधर एयरपोर्ट में तो यार रहता ही है ट्रैफिक, वहीं यार भगाते हैं गाड़ी, ठोक गई, बच गई बच गए, एयरपोर्ट में यार ये रहा ही है ट्रैफिक, जब भी आ जाओ यार इधर एयरपोर्ट में ट्रैफिक रहता ही है, देखो भाई लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, ये ट्रक कहाँ जा रहा है भाई, एयरपोर्ट में ट्रक का क्या काम, कोई होएगा यार सामान होएगा इसके अंदर, ये बच गए, स्मूथ चलती है यार गाड़ी तो, ये काफ़ी कट वट मारने हो तो यार कमाल की गाड़ी बन जाती है, अरे यार एक बारी और ठोकी, एक बारी फिर से ठुकगी, एक बारी ठुक जाए ना यार फिर ठुकती रहती है, पता नहीं क्या हिसाब है इसका। चलो यार कोई नहीं, जहाँ पर हमने वैसे भी ठीक करवानी थी गाड़ी वहाँ पर दो जगह से ठीक करवा लेंगे, कोई नहीं, अब तो एयरपोर्ट आ गया, एयरपोर्ट में एंट्री हो गई है हमारी, चलते हैं अभी, इधर यार काफ़ी कम है गाड़ियाँ, पीछे काफ़ी थी, शायद ऊपर चली गई होंगी गाड़ी, ये ब्रिज है जो ऊपर उस पर चली गई होंगी, हम नीचे आ गए, तो यार बिल्कुल पास है हम हैंगर ख़रीदने के, इधर एक बोर्ड लगा होगा, जब से हम आगे से मुड़ेंगे वहाँ पर एक बोर्ड लगा है, वहीं से ही ख़रीदना हमने, रेट का यार कुछ पता नहीं है कितने का, लेकिन यार ख़रीदना पैसे हैं इतने तो यार जितने का होगा ख़रीद लेंगे। भाई आ गए हम एंट्री गेट पर एयरपोर्ट के, सब वो लगा बोर्ड, यहीं से ख़रीदना हमने, उतर जा फ्रैंकलिन, अभी चलते हैं बोर्ड के पास। सो भाई ये रहा बोर्ड, और यार 13 लाख का है भाई, 13 लाख का हैंगर, $13 लाख का। सो अभी ईद बाते हैं और हैंगर परचेज कर लेते हैं, एक बार थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाएंगे, और ये है हमारा हैंगर यार, देखो भाई कितना बड़ा है, बड़े से बड़े जहाज खड़े हो जाएंगे इसके अंदर, तो काफ़ी खुला डुल्ला भाई, काफ़ी जहाज खड़े हो जाएंगे, काफ़ी सही है यार, अंदर से भी देखो भाई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुला डुल्ला है भाई, अच्छा यार काफ़ी से। और ये हो गया हमारा हैंगर परचेज भाई, लिखा भी आ गया अब तो यार हमारा हैंगर, अब चलते हैं गाड़ी में और देखते हैं हमारा हैंगर कहाँ पर है, ये सेव कर देते हैं, चल भाई फ्रैंकलिन बुगाटी पर अपनी, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था वही हैंगर है भाई, आपको मैंने बता दिया था यार कौन सा है, वो सामने नहीं, सामने वाला नहीं है, इसके साइड वाला भी चलते हैं आज, तो भाई ये फाटक भी खोल लेंगे भाई, अब भाई काबू में ये बंदे, खोल लो भाई खोल लो, हुक्म माना करो, अब ये खोला भाई पहली बारी जिंदगी में इन्होंने हमारे लिए फाटक सा खोला भाई, ये शुक्र है ये भी मानने लग गए अभी, अभी चलते हैं। हाँ भाई जो हमारे सामने वाला ये हैंगर था वो ही है, वो देखो फ्रैंकलिन का जेट खड़ा जो हमने उड़ाया था पिछले एपिसोड में, अब
चलते हैं भाई, नया नया हैंगर जेट भी खरीदेंगे यार, एक गोल्डन जेट पूरा मजे वाला। ये देखो भाई हमारा एयरपोर्ट खुला डुला भाई, काफ़ी बड़ा है। और ये है हमारे फ्रैंकलिन का नया हैंगर, चलते हैं इसके अंदर फिर खरीदेंगे भाई अपना गोल्डन जेट। गोल्डन जेट तो की आवाज़ बड़ी अच्छी आती है जेट में। सो ये आ गया हमारे फ्रैंकलिन का नया हैंगर भाई, देखो अंदर लाइटें वगैरह सब कुछ कितनी भयानक लगी हुई हैं, खुला है भाई कितना, देखो भाई अंदर से बिल्कुल। अरे तेरे को किस में गुस्सा आ गया, किस पे गुस्सा आ गया, देखो भाई काफ़ी खुला डुल्ला है। सुपर लिखा हुआ कि यार अगर यहाँ पर जेट अगर हमने मंगवाना है तो भाई पहले एक साइट है मोबाइल का भी खोलते हैं, उधर से परचेज करना पड़ेगा फिर इधर आएगा। अभी चलते हैं इसके ब्राउज़र पर, ये आ गया हम ब्राउज़र पर और यहाँ पर हम ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट पर करते हैं क्लिक, और यहाँ पर पहली वेबसाइट पर चलते हैं और इधर से ख़रीदते हैं हम जेट। और वोरा सब पहले नंबर पर ही था, ये नीचे और हेलीकॉप्टर्स और जेट वगैरह सब कुछ है। ये रहा हमारे लग्जरी डीलक्स, इसका नाम है गोल्डन जेट है जो हमारा, ये मतलब असली गोल्ड का नहीं है, इसका कलर है असली गोल्ड का, तो यार काफ़ी महंगा आता। अभी भी यार देख लो यार ये है 10 करोड़ का, मतलब हमारी बुगाटी चिरोन से थोड़ा महंगा है 10 करोड़ का भाई। और ये हमने परचेज भी कर लिया है सोल्ड, और हमारे अकाउंट से 10 करोड़ रुपए जो है वो कट गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी पैसे बचे हुए हैं। और ये यहाँ पर हमने फिर ख़रीद लिया, ये हमारे डिलीवर हो जाएगा हमारे हैंगर पर काफ़ी कुछ 1 या 2 दिन के बाद। और ये हमारा हैंगर और साथ में गोल्डन जेट, अभी एक ख़रीदा है कोई नहीं, बाद में एक आधा और भी ख़रीद लेंगे, काफ़ी है जगह। अभी थोड़ी बहुत गेड़ियाँ वेड़ियाँ मारते हैं एयरपोर्ट पर, और जो हमारा जेट है यार उसकी यार वीडियो फिर आएगी बाद में इस एपिसोड में, तो चलो यार नहीं हो सकता कवर उसका पार्ट, वो जेट यार भी काफ़ी लेट आएगा। और ये जेट है भाई हमारा, ये बड़े वाला जेट है जो हमने माइकल जी ने जो उड़ाया माइकल ने, ये छोटे वाला यही मॉडल है, मतलब उसका कलर अलग है। ये ड्यूलक्स है, वो हमारा लग्जरी ड्यूलक्स है ऐसा ही, बस गोल्डन है वो और कुछ फ़र्क नहीं है। ये बड़े वाला जेट हो गया इधर। सो फिर यार आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे यार आपको अगले GTA 5 के अगले पार्ट में। सो फिर यार टाटा बाय बाय।